गल कैनेडा की करते हैं जिथे ब्रिटिश कोलंबिया असैम्बली इलैक्शन हुई अर्थात विधानसभा दुना हुई पंजाबी मूल के 37 चो 14 उम्मीदवार जित चुके हैं। NDP 46 तो कंजरवेटिव 45 सीटा मिली ने। ग्रीन पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया के हिस्से सिर्फ 2 सीटा आई। हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत का अंकड़ा नहीं मिले। डेल्टा नॉर्थ तो रवि कालो को जित मिली है जबकि असैम्बली के स्पीकर रहे राज चौहान 6वीं बार जितने के लिए कामयाब हुए हैं। जगरूप ब्रांड सरी फ्लीटवुड तो 7वीं बार जीते ने। मनदीप धालीवाल सरी नॉर्थ तो जेतू रहने के कामयाब रहे। उत्थे ही सुनीता धीर वैंकूवर लंगारा तो जेतू रहे ने। हरविंदर कौर संधु वरनोन तो जेतू रहे ने। इत मोनाश्री तो जेतू रहे हरविंदर कौर संधु वरनोन। 14 उम्मीदवार पंजाबी मूल दे इत्थे जित प्राप्त हुई है। दस दिए कि ब्रिटिश कोलंबिया एक कैनेडा का जो फ्रेंच स्पीकिंग ऐसा प्रोविंस है ऐसा उतों का ही एक इलाका है जिथे खास तौर पर फ्रेंच बोली जाती है। उस इलाके 14 पंजाबियों का जितना जरूर अपने आप एक गल वड्डी मनिया जा रहा है। तो दूसरे पास जेकर देखिए तो ऐसे समय के जो कैनेडा एक ऐसा माहौल देखा गया जो पंजाबियों के प्रति खास तौर के उत्ते भारतीयों के प्रति एक हेट देखी गई। सोशल मीडिया के उत्ते मौजूदा समय के कुछ पोस्ट्स वायरल हुई सी जिथे काफ़ी ज़्यादा हेट स्पीच भी देखी गई। इस सब के दरमियान ही जब इन 14 सीटों के उत्ते जितते रहे उम्मीदवार तो जरूर एक वड्डी गल है पंजाबी मूल के लोगों के लिए। पर दूसरे पास जेकर देखिए तो किसी को भी बहुमत नहीं मिली है। NDP 46 सीटा मिली ने जबकि दूसरे पास असी देखिए तो इस पूरे मामले के 14 जो उम्मीदवार ने उन्होंने जित प्राप्त हुई है। पंजाबी मूल के 37 व्यक्ति से जो उम्मीदवार से उन्होंने 14 जितते ने। NDP 46 कंजरवेटिव 45 सीटा मिली ने जबकि जो ग्रीन पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया है उन्होंने हिस्से केवल 2 सीटा आई ने। पर इस सब दे विच भी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है। किसी को भी इस तरीके दे नाल नहीं बहुमत मिली कि कहा जा सके कि उन्होंने पार्टी मुर सत्ता दे विच काबज हो सकती है। तो हुण देखना होगा कि किस तरीके दे नाल गठजोड़ हुंदा है जोड़ तोड़ की सियासत दे विच रहिंदा है। हालांकि जो ये पंजाबी मूल दे 14 जो नेता जिते ने 14 उत्थे दे जो असैम्बली इलैक्शन दे विच ये आगू जिते ने उन्हां दा रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि अज के समय जो देखिए तो कैनेडा दे विच जो स्थिति है पहले नालों काफ़ी बदल चुकी है। जो आर्थिक ढांचा है उस दे विच भी काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि जो इनफ्लेशन है उस दे नाल जो आम लोग ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ने इस समय कैनेडा दे विच जिस कारण एक रोस देखा जा रहा है। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के उत्ते साडे नाल जुड़े हुए ने। संधू साहब इसनों किवें देखा जाए कैनेडा दे विच हुण 14 जो ने पंजाबी मूल के जो व्यक्ति ने वो जिते रहे पर बहुमत किसी भी नहीं मिली। देखो हरप्रीत देखने वाली गल है कि पंजाबी मूल के 37 जे उम्मीदवार से उन्होंने इस बार इलैक्शन लड़ी सी और उन्होंने 14 जे उम्मीदवार है वो जित के ब्रिटिश कोलंबिया की असैम्बली के पहुंचे ने। बड़ी माण वाली गल है और जिवें सबनों पता है कि पंजाब तो बाद जो सब तो ज्यादा सिख ने वो कैनेडा च रहिंदे और कैनेडा च करीब 5.6% सिखां दी आबादी उत्थे हो चुकी है। सो इस विच कोई शक नहीं सी कि दोनों पार्टियां ने NDP और कंजरवेटिव पार्टी ने जिहड़े आ पंजाबी मूल के जिहड़े लोग सीगे सिख और पंजाबी मूल के उन्होंने इस इलैक्शन च उतारिया सी। जे गल करिए तो ब्रैम्पटन तो बाद जिहड़ी ब्रिटिश कोलंबिया की जी पॉपुलेशन है वो सिखां दे पंजाबियां दी सब तो ज्यादा करीब 3 लाख लोग जिहड़े आ उत्थे वोट पाते हैं। सो फिलहाल 14 लोग जिहड़े आ 14 जिहड़े कैंडीडेट है वो जिहड़े ब्रिटिश कोलंबिया की जिहड़ी असैम्बली च पहुंच चुके हैं और इन्हां विच जितने वाले विच जिहड़े सक्सैसफुल कैंडीडेट ने उन्हां दी गल करिए तो उन्हां विच सब तो वड्डा नाम जिहड़ा है वो आता है रवि कालो का जो कि लंबे समय तो NDP नाल जुड़े हुए और वो इलैक्शन जित के जिहड़े उत्थे पहुंचे ने। रवि कालो जिहड़े आ उन्हां डेल्टा नॉर्थ सीट तो जिते ने और चंगे मार्जिन तो जिते आ और कालो जिहड़े आ वो NDP की जिहड़ी नैशनल डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हां दी है उहदे विच जिहड़ा है उन्हां दा काफ़ी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिहड़ी है उहदे विच काफ़ी वड्डा उन्हां दा रोल है और जगमीत जिहड़े जगमीत सिंह ने उस पार्टी दे मुखी ने। सो हालांकि क्लीयर मेजोरिटी नहीं मिली उन्हां नूं लेकिन उसके बावजूद ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਔਰ 2017 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ
जिहड़े कि मिनिस्टर ऑफ ट्रेड दे सीगे ओह सरी तो जिते आ सरी जिथे कि बहुत सारा वड्डी गिनती विच पंजाबी जिहड़े ने सरी विच ने सो उत्थे वी जगरू बराड़ दी जित होई है बठिंडे दे जंपल ने और किसे वेले ओह जिहड़ी इंडियन नैशनल बास्केटबॉल टीम सी उहदे विच जगरू बराड़ जिहड़े ओह खेल चुके बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके ओह सो उस तो बाद कैनेडा चले गए सी और फिलहाल जिहड़े 2004 तो बाद वो लगातार उत्थे एमएलए बन रहे हैं। इस तो अलावा कंजरवेटिव पार्टी के कैंडीडेट मनदीप धारीवाल जिहड़े आ उन्होंने भी एजुकेशन मिनिस्टर जिहड़े रचना सिंह जिहड़े सरी नॉर्थ सी उन्होंने हराया उन्होंने और हालांकि उत्थों जिहड़ा नोटेबल जिहड़े पंजाबी जिहड़े लीडर सी जिनी सिम्स वो जिहड़े सरी तो उन्होंने हार हुई है। एनडीपी के कैंडीडेट रवि परमार जिहड़े आ वो लैंगफोर्ड हाईलैंड तो जिते ने सुनीता सरीर जिहड़े आ वो वैनकूवर तो जिते ने रिया अरोड़ा जिहड़े ने वो बर्नबाई ईस्ट जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्थों जिते ने हरविंदर कौर संधू जिहड़े ने वो वर्नन मोनाशाही उत्थों जिते ने हरविंदर जिहड़े आ वो सैकेंड टाइम लगातार इस सीट तो जिहड़े जिते ने सो पंजाबियों ने उत्थे जिहड़े जिस तरह की परफॉर्म किया उस तो बाद लगता कि कैनेडा जिहड़ा है पंजाबियों का दूजा घर बन चुके इस कोई शक नहीं है। इस तो अलावा जिहड़े अटॉर्नी जनरल जिहड़े ने निक्की शर्मा जिहड़े आ वो भी जिहड़े वैनकूवर जिहड़ी हैस्टिंग सीट है उत्थों जिते है और जैसी सनर जिहड़े आ और सरी न्यूटन जिहड़ी सीट है उत्थों जिते है। कंजरवेटिव लीडर जिहड़े हरमन सिंह पंगू ने वो लैंगली एब्सफोर्ड जिहड़ा जिहड़ा वैनकूवर के नाल एक वड्डा शहर है उत्थों जिते ने उस तो बिना हॉर्नवीर सिंह रंधावा जिहड़े है वो सरी गिल्डफोर्ड इलाके तो जिहड़े है वो जित के उत्थे पहुंचे है। टोडी टूर जिहड़े है वो लैंगली तो जिते ने और इस नाल साफ पता चलता है कि पंजाबियों का दबदबा जिहड़ा कैनेडा की राजनीति च काफ़ी जिहड़ा वध चुका है और ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जो पंजाबी ने उन्होंने 14 जिहड़े एमएलए बन के वो जिहड़े हाउस पहुंचे और मैनूं लगता बड़े माण वाली गल है पंजाबियों लई क्योंकि कैनेडा दे विच असैंबली दे विच 14-14 एमएलए जिहड़े पंजाबियों का बनना उस नाल जिहड़े पंजाबी जिहड़े लखां पंजाबी उत्थे ने लगभग 3 लख पंजाबी जिहड़े ने इस इलाके च रहिंदे आ सो उन्हां दीआं जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां नूं इह पहल दे आधार ते जिहड़ा है वो हल करनगे और पंजाबियों नूं वी उम्मीद है कि जिवें जॉब दी दिक्कत आ रही जां होर बहुत सारे वड्डे चैलेंजेस है पंजाबियों लई पंजाबी स्टूडेंट्स लई उन्हां नूं दूर करन लई जिहड़े नवें एमएलए ने वो अपना योगदान जरूर पाणगे। हरप्रीत ये तो एक पासे तो एनडीपी जगमीत बराड़ दे नाल ते दूसरे पासे कंजरवेटिव्स ने तो फर्क सिर्फ एक सीट का देखा 45 ते 46 का। ऐसे जद जस्टिन ट्रूडो तो अलग होण दी खबर सामने आईया सी जगमीत बराड़ दे इस संबंधी ऐलान किया तो एक चर्चा सी कि आखिरकार इसका रुख की देखने को मिलेगा। हुण ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जो कि एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है उत्थे जेकर पंजाबी इस तरीके दे नाल अगे वध रहे ने तो फिर जो प्रॉपर इलैक्शन सामने आउणगे उस वेले विच की कुछ रुख देखने को मिल सकता है। देखो इस ग्रीन पार्टी जिहड़ी है उन्होंने 93 जिहड़ा मैंबर उत्थे जिहड़े हाउस ते ने सो जिहड़ा एनडीपी जिहड़ी जगमीत सिंह दी पार्टी है 46 सीटां जित्ती है और कंजरवेटिव पार्टी 45 सीट लई जित्ती है। हालांकि किसी नूं क्लीयर मेजोरिटी नहीं है लेकिन ग्रीन पार्टी का रोल इत्थे जिहड़ा है वो काफ़ी अहम रहेगा। 2 सीटां ग्रीन पार्टी कोल ने सो देखण वाली गल होगी कि ग्रीन पार्टी जिहड़ी है वो किस नूं सपोर्ट करदी है लेकिन एज जिहड़ी है वो एनडीपी कोल है जगमीत सिंह दी पार्टी कोल है और मैनूं लगता कि उत्थे उन्हां दा दबदबा भी है और उन्हां दी जिहड़ी पार्टी है वो सरकार बनाउण दे विच काफ़ी जिहड़ा वो जिहड़ी है वो लीड लैके बैठी है। सो माण वाली गल है कि पंजाबियों दी पार्टी जिस मैं पंजाबियों दी पार्टी इसलिए कह रहा क्योंकि जगमीत सिंह इहदे फाउंडर ने और अक्सर उन्हां ते इल्जाम लगदे ने कि वो लैफ्टिस्ट ने यानी कि खालिस्तान पक्षी उन्हां दी सोच है लेकिन हुण देखणा होगा कि ग्रीन पार्टी जिहड़ी है वह की सपोर्ट करदी है और इहो ही उत्थे उम्मीद की जा रही है कि एनडीपी जिहड़ी है वो दोबारा उत्थे जिहड़ी सरकार बनाएगी। सो काउंटिंग पूरी हो चुकी है 93 मैंबर दे हाउस ने जिहड़े उत्थे और 46 सीटां ते एनडीपी जिहड़ी है वो जिहड़ी है इलैक्शन जीत चुकी है। सो इह जरूर है कि उह जस्टिन ट्रूडो नूं लगातार जिहड़े है जस्टिन ट्रूडो नूं सपोर्ट करदे सी लेकिन हुण उहनूं जिहड़े आ उहनां दे रस्ते वक्ख हो चुके लेकिन जिहड़ी कैनेडा दी जिहड़ी पॉलिटिक्स की गल करिए और जो कैनेडा और भारत दे रिलेशन्स की गल करिए और उस दे विच अगर एनडीपी दा साथ जिहड़ा है और लिबरल पार्टी नूं यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी नूं ना मिलिया तो ट्रूडो दे दोबारा जिहड़े प्रधानमंत्री बनन च काफ़ी जिहड़ा है वह मुश्किल राह होएगा। हालांकि इलैक्शन थोड़ा वक्त है और उस तो बाद की एनडीपी जिहड़े है वह दोबारा सपोर्ट करदा ट्रूडो नूं इह देखण वाली गल होगी लेकिन फिलहाल जे ब्रिटिश कोलंबिया की गल करिए तो पंजाबियों का परचम उत्थे जिहड़ा वह लहरा रहा और 14 सीट जिहड़ियां ने वह एनडीपी जिहड़ी है और एनडीपी और कंजरवेटिव 14 जिहड़े एमएलएज ने हाउस च पहुंच चुके हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो पंजाबियों को बहुत वड्डियां मुश्किलां ने क्योंकि जिस तरह कैनेडा और इंडिया के
नेशन खराब हो रहे हैं, वीजा दिक्कत आएगी और बहुत सारिया प्रॉब्लम जे बिजनेस ने या स्टूडेंट्स ने जो उन्होंने प्रॉब्लम आएगी और ये एम एल एस जे एक प्रेशर ग्रुप बन के कितने ना कि जी उतों की सरकार है ट्रूडो सरकार उत्ते भी प्रेशराइज कर सकते हैं कि जे पंजाबियों के मुद्दे है उन्होंने जोड़ा वो हल किया जाए। हर चीज ठीक है संधु साहब, जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बेहतरीन ढंग समझाया कि आखिरकार इस समय जो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस कुछ मायने ने, क्योंकि जेकर देखिए तो जो पीएम इलेक्शंस ने उस तो पहला जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हूँ गुंझलदार हो चुकी है कैनेडा के। जब जस्टिन ट्रूडो हूँ मुड़ पीएम बनने के राह के उत्ते जरूर बढ़ रहे हैं, पर इस बार मुश्किल काफ़ी ज़्यादा ने रस्ते दे, क्योंकि जो NDP है वो जरूर हूँ एक वक्रे राह जब दिखाई दे रही है, उसकी सपोर्ट तो बिना वह मुमकिन नहीं लग रहा। फिलहाल इस पूरे मामले देखिए तो 14 उम्मीदवार पंजाब के मूल दे जरूर जिते ने, तो ऐसे दे 46 सीटा NDP के कोल ने, कंजरवेटिव के कोल 45 सीटा ने।